अच्छा इनिशियली ना जब रोहित ही वॉज बर्स्टिंग ऑन टू द सीन तो हमें बड़ी ना क्यूरियोसिटी होती थी. रोहित शर्मा का नाम बहुत मतलब एवरीवन सेड यार ये एक प्लेयर आ रहा है ये एक प्लेयर आ रहा है. तो बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि यार यंग प्लेयर तो हम भी हैं ऐसा कौन सा प्लेयर आ रहा है यार हमारी कोई बात ही नहीं कर रहा. तो T20 वर्ल्ड कप था तो उसको बैटिंग करते देखा ना मैंने तो मैं ऐसे ही बैठ गया सोफे पे. मैंने कहा बेटे आज के बाद कुछ मत बोलना बिकॉज व्हेन यू सॉ हिम प्ले यू अंडरस्टूड व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू नो व्हाट वी आर विटनेसिंग हियर. सो अमेजिंग अमेजिंग. आई हैवन सीन समवन टाइम द बॉल बेटर देन मी. रोहित के पास एक सेकंड एक्स्ट्रा है सबसे. एक नजर डेढ़ इन रियल लाइफ ही जस्ट ही लुक्स सच अ स्पेस कैडेट. जितनी चीजें रोहित शर्मा भूलता है उतना मैंने किसी को नहीं देखा चीज़ें भूलते हुए. आईपैड वॉलेट फ़ोन मतलब छोटे मोटे काम नहीं सीधा जो चीज़ें जो डेली यूज़ की हैं वो सीधा आई डोंट केयर नया ले लेंगे. जिस तरह की रोहित बल्लेबाजी करते हैं और जब वो बल्लेबाजी करते हैं शायद सबसे अट्रैक्टिव लगते हैं एफर्टलेस लगते हैं. वो खड़े हो जाते हैं तो लगता है कि इनके पास दुनिया का सारा समय है आराम से खेल सकते हैं उनको कोई आउट ही नहीं कर सकता. इन्होंने कहा ना कि उच्च कोटि के ऐसे तेंदुलकर थे जब वो खेलते थे ना तो फिर वो करते यार तुम भी तो ऐसा कर सकते हो पर उन्हें समझाया कौन कि भगवान एक ही होता क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते थे अगर मैं कर सकता हूँ तो शायद दूसरे भी कर सकते हैं बट ये वो नहीं समझते थे कि जो वो कर सकते वो दूसरे नहीं कर सकते. तो रोहित शर्मा वैसे खिलाड़ी है जो रोहित शर्मा कर सकते ना वो शायद कोहली भी नहीं कर सकते क्योंकि एक ओवर में 3-4 छक्के मारना या 45 बोलों पर 80-90 रन बनाना वो मैंने कोहली को भी करते हुए कम देखा. कमाल की बात है जैसे रोहित शर्मा का 100 होता है लोग सीधा 200 की बात करना शुरू कर देते हैं. पता नहीं इन्होंने अपना रेपुटेशन कैसी बना ली है. 100 बात जब 100 होता है सीधे किताब 200 पे चली जाती है क्योंकि जब 100 होता है तो फिर वो एक अलग स्ट्राइक रेट पे खेलते हैं. वो गाड़ी का ओवरड्राइव होता है ना तो ओवरड्राइव स्पोर्ट्स ड्राइव हाँ बिल्कुल. तो वो गियर में जब जाते हैं तो फिर और उनके पास ऑलराउंड गेम है तो ऐसा कोई वीकनेस नहीं है कि आप एक एरिया पकड़ के रखो और वहाँ से रोहित कुछ नहीं कर सकते. ऐसे एरियाज तो है नहीं तो फिर बॉलर कहाँ डालेंगे जब फिर द बॉल इज इन रोहित कोर्ट. अगर वो मारना चाहेगा तो वो मारेगा. अगर उसे देखिए हम भी क्रिकेट के दीवाने हैं और सचिन तेंदुलकर से लेके विराट कोहली रोहित शर्मा मैं रोहित शर्मा बहुत पसंद है सर. मैं बंदा बहुत अच्छा खेलता है और भगवान क्या काबिलियत दी है. तो अब रोहित के बारे में थोड़ा बताइए कि एज अ कैप्टन कैसे देख रहे हैं आपने उन्हें बहुत देखा है रोहित को आपने. जी हाँ रोहित को बहुत बहुत मुबारक कि वो कैप्टन बना T20 का और आई एम श्योर कि ही विल डू अ ग्रेट जॉब. उसने IPL इतनी बार जीता है और इज अ कूल कैप्टन एंड मैच्योर कैप्टन. तो ऐसा नहीं कि उसको रवा होना पड़ेगा कुछ है तो उसको काफ़ी मैच्योरिटी और उसका बॉन्ड लड़कों के साथ अच्छा है तो आई एम श्योर कि इट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर हिम एंड फॉर द टीम एज वेल. कभी ऐसा लगा है बॉलिंग करने के टाइम में कोई बैटिंग कर रहा है और आप सोच रहे हो यार क्या कर रहा है इसको कैसे आउट करूं आउट ही नहीं हो रहा. बिल्कुल बिल्कुल. बोलो एक कोई स्टोरी बोलो. हम हमारे रोहित भाई इंडिया से जो है वो वर्ल्ड कप में मुझे लगा 2019 के वर्ल्ड कप में कि यार मतलब कि क्या मतलब क्या चाहते हैं आप व्हाट डू यू वांट मतलब अब 100 भी हो गया अब सेंचुरी भी डाल दी है तो चलो वहाँ पे लगा कि यार मतलब कैसे आउट कर वेरी डिफिकल्ट वेरी डिफिकल्ट.